आ गए इनके रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट 25th फ्लोर पे, अभी देख रहे हैं कुछ इनका डिमसम है स्पेशल क्या है। ये चॉपस्टिक रखी हुई है और ये कुछ हमें चेक इन के टाइम पे दिए थे, कुछ कूपन्स बाउचर की ऑफ हो जाएगा आपका जब आप यूज़ करेंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो सी फूड मोस्टली होता है इधर। ये बाउल है, चॉपस्टिक है और ये स्पून है, इसके स्टैंड पे रखी हुई है स्पून के, वहाँ भी ऐसा सेम है कटलरी। वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, दे हैव सो मैनी रेस्टोरेंट, आई थिंक दे हैव 5 रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट का अलग है, आला काट करें, बुफे लें। A few moments later. ये आ गया है मेरा, फ्लावर के साथ आया। लेमन, का हमारा अपॉइंटमेंट है तो हम जा रहे हैं स्पा के लिए। या विक्रम, एवरी पोर्शन ऑफ बॉडी, ऑयल ऑप्शंस दिए कि आप चूज कर लें किस ऑयल से आपको करानी है, कौन सा फ्लेवर आपको लेना है। ये शायद ये ड्रिंक करने के लिए कुछ इन्होंने दिए है, ये ड्रिंक है, ये वेट टॉवल्स है, कौन सा चूज करना चाहिए। ओके थैंक यू। तो हम लोग आ चुके हैं स्पा रूम में, अभी स्पा के बाद ही हम आपसे मिलते हैं, स्पा मसाज के बाद। One eternity later. स्पा हो गया है हमारा कंप्लीट। नाउ ही ड्रिंक, जो बोला था इन्होंने, पूछा था कॉम्प्लीमेंट्री की क्या लेंगे, फ्रूट्स और मैं जूस, कृतिका ने आई थिंक मंगवाया है अमेरिकानो और कुकीज के साथ। चुका है पूरा एक एक बॉडी का ना, थकान हुई थी 10 दिन की एटनरी से, कुछ रिलैक्सिंग लग रहा है। देखिए बहुत बढ़िया नींद आने वाली है, फ्लाइट पकड़नी है घर जाके सोएंगे इंडिया आराम से रिलैक्स। The next day. Hello everyone, welcome back to our जीवन क्रिंस जीवन। तो आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में और आज हमारा है चेकआउट। हम वियतनाम से जा रहे हैं इंडिया, अपने भारत देश जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, नाश्ता करने। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अब इंडिया जा रहे हैं ना तो हिंदी भी निकल रही है, ब्रेकफास्ट नाश्ता ओके। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हमारी जो कैब है ड्राइवर आए पिक करने आ जाएंगे और एयरपोर्ट पहुँचेंगे, तो सही सलामत पहुँचते हैं अपने भारत देश। जय भारत। ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं, आज थोड़ा आराम से मतलब बैठे खाए, अपना भागा दौड़ी में कुछ भी नहीं भागते हैं कुछ खा ही नहीं पाते, देखो साइड सीन के लिए जाना होता है, घूमते तो ऐसे ही होता है। तो घर जाके खाने आलू के पराठे, स्वाद ही पता नहीं कैसा होता है। गाजर हलवा, बीन्स है राजमा। चलो कुछ फ्रूट्स लेके करते हैं स्टार्ट। आई टेक सम फ्रूट एंड आई स्टार्ट द फूड। यस देयर इज स्टिर्फ वेजिटेबल राइस। बाहर भी बैठे हैं लोग, बामी सैंडविच सूप।
नाउ आई एम टेकिंग माय ब्रेकफास्ट बोल तो आते हैं मुझे लगा आप बोलने वाले हो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ला विला होटल साइगोन चल रहे हैं कृतिका एग्जिट कर रही है रूम से लगेज हमने भेज दिया है इंडिया जा रहे हैं यस बाय बाय वियतनाम बाय बाय रूम को बाय 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 निकलते हैं रूम से की कार्ड ले लिया है चलते हैं बाय 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 हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं चेकआउट का टाइम हो गया है तो यहाँ ये लोग रूम चेक करते हैं कि कुछ हमारा सामान ना भूला हो या फिर जो इनका मिनी बार होता है उसमें से हमने कुछ यूज़ नहीं किया हो कंजप्शन ना किया हो बट हम यूज़ करते नहीं हैं इनका एज इट इज़ रखा हुआ है जो है सामान थैंक यू इन्होंने टिश्यू दिया है ओके कृतिका वहाँ बैठे हुए हैं चेकआउट का टाइम हो गया है हमारा लगेज वहाँ पर है अब ये पूछ रहे हैं अपना फीडबैक ले रहे हैं कि आपको पैसा पसंद आया तो बता रहे हैं इनको कि क्या बेहतर था इनकी चीज़ क्या अच्छी है क्या नहीं Oh. I will report to our manager to improve the service here. 5 minutes later. वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर का एयरपोर्ट जाने के लिए एयरपोर्ट निकलेंगे फ्लाइट है हमारी पहले हनोई के लिए फिर हनोई से हमारी इंडिया के लिए बैग रैप करा रहे हैं करा लिया है चेक इन लगेज दे दिया है एक्सेस बैगेज हो गया तो लगेज के देने पड़े पैसे और बहुत ज्यादा 3 मिलियन से ज्यादा पैसे देने पड़े 156 USD में पे करना पड़ा 156 USD यहाँ बैठ गए हैं और गेट नंबर 6 है अभी फ्लाइट हमारी अभी तो बोर्डिंग होगा हमारा 1 घंटा बाकी है जो बोर्डिंग गेट स्टार्ट होगा हमारे लिए अभी तो दूसरी फ्लाइट जा रही है उसके लिए पर गेट 6 पर बैठ गए अपनी जगह ले ली है ये रहे कृतिका बस अभी हनोई जाएंगे हनोई से फिर हमारी दिल्ली के लिए फ्लाइट है सामान दे दिया है सामान हमें लेने की जरूरत नहीं हमें दिल्ली में मिलेगा डायरेक्टली ये अच्छा किया हमने कि सामान हम सीधा दिल्ली में कलेक्ट करेंगे अपनी बेल्ट से जो भी बेल्ट नंबर होगा कन्वेयर बेल्ट गेट नंबर 6 ये है हमारा गेट नंबर 6 बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो जाएंगे ये एयरपोर्ट है कुछ काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है ये हो ची मिन्ह का हमारी ट्रिप की फैमिली भी हमें मिल गई है भाई साहब एयरपोर्ट में मिल गए जो हम साथ में गए थे कोकोनट मिलने जो गए थे साथ में सेल्फी ले रहे हैं वेरी गुड बाय टेक केयर ओके बाय 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 किड्स बाय 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 कैंडीज ढूंढने आ गए हैं बच्चों के लिए कैंडीज कुछ है यहाँ जो स्पेशल यही मिलती है बॉम्बे एयरपोर्ट पे ऐसे ही तो है वाइट वाइट बने हुए A few moments later. कर रहे हैं बोर्डिंग स्टार्ट हो बट अभी स्टार्ट नहीं हुए क्यू में लोग लग गए हैं कर देनी चाहिए आधा घंटा ऊपर भी हो गया है बटका मेरे गेट 6 से हमारा VN214 फ्लाइट नंबर है वियतनाम एयरलाइन तो शायद ये साफ सफाई कर रहे हो अभी प्लेन की
आ गए हम लोग, ये बोइंग है 787, तो उसमें कुछ इस तरह से सिटिंग है। तो स्क्रीन दिया हुआ है हर सीट पे, वॉल्यूम एंड ऑल। लोग सीट ले चुके हैं अपनी, इन लोगों ने ये प्रोवाइड किया है, ये हैंडसेट हेडफोन दिया है, फोर इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो स्क्रीन में आप कनेक्ट करके कुछ जो प्रोग्राम होंगे आप देख सकते हो, मूवी सॉन्ग एंड ऑल, तो दिया हुआ है इन लोगों ने ये। सेवन एट सेवन बोइंग है ये। ग्लास आपको अगर धूप नहीं चाहिए, और ये लाइट भी हो जाएगा पुश करके बटन, ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा, देखिए जैसे कि आगे वाला ब्लू है एकदम, जैसा आपको चाहिए पुश करके बटन हो जाता है। बिल्कुल डार्क कलर हो गया है, ब्लू हो गया एकदम, ये वाइट है, लाइट हो गई है। स्टार्ट्स में आपको ऑडियो चाहिए, गेम चाहिए, मूवी देखनी है कोई, तो अबाउट अस सब देख सकते हैं आप ये। तो हम अगर मूवी देखनी है, मूवी पे क्लिक किया, हमें कुछ मूवी शो कर रहा है, आई थिंक ये चाइनीज मूवी है या कोरियन मूवी होंगी, हॉलीवुड की कोई देख सकते हैं, मैन ए ट्रैप, भेड़िया है इसमें, भेड़िया मूवी भी है, भेड़िया ओपन की है, भेड़िया प्ले भी कर सकते हैं, ये देखिए भेड़िया प्ले की। भेड़िया मूवी चल गई है, वियतनाम एयरलाइंस। अभी टेक ऑफ होने वाला है, हो ची मिन्ह टू हनोई।